हाँ, ये थाना उनेल की घटना है जिसमें हाईवे पर बीड़ी व्यापारी के जो कलेक्शन एजेंट थे उनसे नगद राशि लूटी गई थी, लगभग 4 लाख रुपए। इसमें पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 7 में से जो हैं 3 षड्यंत्रकारी हैं जिनने षड्यंत्र करके ये पूरी योजना बनाई और 4 अन्य लोगों को अनुबंध करके ये इसको घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके उनसे राशि बरामद की है। लगभग 4 लाख रुपए कुल राशि लूटी गई थी और आरोपियों से अभी तक 70,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अन्य राशि जो है इनके द्वारा बताया गया कि अलग अलग स्थानों पर ये तत्काल घटना के बाद घूमने चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने नगद राशि खर्च भी करी, उसकी भी तस्दीक। इंगोरिया में भी हाईवे पे एक लूट हुई है जिसमें एक गार्ड जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो 2 लोगों द्वारा रास्ता रोक कर उसके पास 8,000 नगद राशि, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों जिला उज्जैन इंदौर के रहवासी हैं। इनके पास से पुलिस ने जो कुछ नगद राशि गई थी वो बरामद करी है, मोटरसाइकिल भी इनसे मिली है। ये जो इंगोरिया थाना क्षेत्र में लूट हुई है इसमें पूछताछ में प्रारंभिक रूप से बात सामने आई है कि आरोपी जो है शराब पीने के लिए पैसे उनको चाहिए थे और उनके पास पैसे नहीं थे और उनके द्वारा रास्ते में अकेला व्यक्ति जाते हुए देखा तो ये अटेम्प्ट किया गया। काम से आया था, ये प्लान नहीं है कोई।